मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल फैमिली, आप सभी कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये सुबह के 9 बज रहे हो, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में आज हम पोहा खाएंगे और आप भी आ जाइए खाने के लिए। इसके बाद मैं आपको लंच रूटीन शेयर करूँगी और इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि आज है संडे और संडे का मैं पूरा आपको डे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि हम लोग संडे कैसे मनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मेरा लंच रूटीन है, हम लंच में क्या खा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी क्लिप डिलीट हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए मैं लंच रूटीन भी शेयर करती हूँ। बना रही हूँ, इसमें ना आज बहुत कीड़े हो गए तो सारे मैंने धूप में रख दिए और उसको धो धो के सारा मैंने छिलका निकाल दिया, कितने सारा छिलका निकाल दिया कीड़े से हो गए थे। आज ये मैं ना लंच में ये वाली दाल और मैं बनाऊँगी चावल और रोटी। मैं स्वाद अनुसार इसी में मैं हल्दी डालूँगी। हाँ बेटा, हल्दी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और मैं डाल रही हूँ हींग डाल दूँगी और पानी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा पानी डाल के ऐसे सीटी लगा देंगे। मैंने सुबह भी बोली थी और क्लीन कर ली अच्छे से दाल लगा दे और हम इसके साथ खाएंगे चावल। तो ये मैं चावल भी बोल रही हूँ, इतना पानी मैंने रख दिया। अब मैं इसे गैस पर रख दूँगी, धो लिया चावल मैंने अच्छे से और ढक्कन लगा दूँगी। ये हमने हटा दिया, अच्छा लग रहा है। मम्मी चली गई ना तो हमने काम करा काफ़ी सारा, दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ रख दिया, मम्मी रख तो यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ थोड़ा खाली खाली है ना, अब अच्छा लग रहा है। किचन अभी भी रेडी हो गई है और ये देखो ये क्या है, इसके नीचे तो पैंट थी, ये क्या पहना है, क्या पहना है, पूजा करने आई हूँ। हो गया ना, मेरे को ना मेसी किचन अभी थोड़ा थोड़ा गंदा है क्योंकि वो जम गया था दूध का, मुझे पता नहीं था। तो मैं ना किचन क्लीन होता है ना तभी खाना बना पाती हूँ, मुझे ना गंदा किचन बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट अभी भी गंदा है, मैंने सोचा रोटी बना के, बट जितना हो सकता था उतना मैंने किया, ये लग रहा है गंदा वो थोड़ा। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, दाल बन गई, तड़का लगना है और ये हमारे चावल बन गए। तो अब इसमें से थोड़ा पानी निकालना है, कम डाला था ना पानी निकाल, मतलब वैसा हो गया थोड़ा सा ना, सूख गया, बट हाँ चावल गल गए, कोई नहीं, आज पहली बार ऐसा बना है, मुझे लगा कि नहीं होगा। और मैं इसमें सिर्फ दाल में तड़का लगाऊंगी लहसुन और जीरे का, क्योंकि ये सी क्या अच्छी लगती सिंपल दाल, और रोटी बना लेते हैं। दाल चावल के साथ हम थोड़ी सी रोटी भी खाते हैं। तो मैं रोटी बना रही थी, रोटी मेरी गोल गोल नहीं बनती, अभी रोटी हो गई तो मैं ऐसे निकालूंगी। सारा खाना मैंने शादी के बाद सीखा है, बस जल गई ना थोड़ी रोटी में। इंडियन ब्रेकफास्ट दाल चावल रोटी पापड़ एंड अचार। तो अभी कावे उसके डैडी खाएंगे। चलो ये मैं अब उनको दे देती हूँ खाना, और जब तक ये लंच करे मैं नहाने जा रही थी बिकॉज मैं नहा ही नहीं हूँ और बहुत लेट हो गया सफाई करते करते, उसका वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और ये लोग बिग बॉस देखते हैं, पता नहीं क्या पसंद आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो चलिए ये लोग टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। और लंच सबका हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों, तो ऑलमोस्ट सभी का लंच हो गया। मैं बालकनी में आई, 4:30 हो गया, देखो कपड़े अपने सब धुल गए और धूप भी गए, कपड़े काम हो गया। मैंने बोला ना मेरे को झाड़ू पोछा शुरू करना अच्छा नहीं था, मम्मी गई हुई है तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा। और अब मैं नहाई थी, यहाँ का पानी ऐसा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, टाई भी करा दी है काव्य को, सब कुछ हो गया है। तो अभी हम शाम को जाएंगे मंदिर भी आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं मेरे से ब्लॉगिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पाती जैसे आप लोग करते हो,
मुझे माफ़ करिएगा हर चीज़ के लिए। और अभी मैं शाम को मिलती हूँ, कुछ अभी को मंदिर का भी टूर कराती हूँ आपको, ठीक है? मंदिर में मिलते हैं आपसे। एज वेलकम बैक। और ये शाम के आपको टाइम दिखाती हूँ कितने बजे की। अभी 6 बज रहे हैं, जा रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर। आई होप कि खुला हो, क्योंकि जाना तो 5 बजे था, बट क्या हुआ है, ये लोग सो गए थे गहरी नींद में, तो अब जाके हैं। तो अब हम जा रहे हैं। काव्या, यू वांट टू से समथिंग? से हाय टू एवरीवन। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया है, वेदर इज वेरी क्लाउडी। और यहाँ पे हमेशा ऐसे ब्यूटीफुल वेदर हो जाता है डेली, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल वेदर होता है। और मैं तुमको बोल रही थी दिन में चलते तो थोड़ा शूटिंग अच्छा हो जाता मंदिर का, बट रात में मैं क्या शूट करूँ, मेरा फ़ोन भी इतना कोऑपरेट नहीं करता नाइट व्यू में। और सबसे गलत क्या हुआ, हमें बहुत ट्रैफिक मिला, 1 घंटा हम ट्रैफिक में फंसे रहे, और उसके बाद मंदिर आया है। चलिए आपको मंदिर चल के मिलते हैं। मंदिर मैंने आज डिटेल में भी शूट किया है, तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाऊंगी, डिटेल वीडियो उसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये बाहर से इतना सुंदर होता है, मेरे हस्बैंड कहते अक्षरधाम, बट मुझे देख के ये प्रेम मंदिर वृंदावन जैसा लगा, क्योंकि लाइट चेंज हो रही थी। और वृंदावन का प्रेम मंदिर का कॉपी, आप भी बताइए किस मंदिर की कॉपी लग रही है आपको। ये अक्षरधाम की कॉपी तो है नहीं, मैं अक्षरधाम कभी गई नहीं हूँ, जबकि हमारे घर के पास था दिल्ली में। जो चीज़ पास होती है वहाँ जाने का मन नहीं करता, वहाँ पे लोग दिल्ली के बाहर से आते थे देखने, और हम लोग दिल्ली में रह के भी और घर के पास होते भी नहीं देख पाए। तो मंदिर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, बट अलाउ नहीं था कैमरा, बट थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का मंदिर है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर है ना फेमस, उन सभी की कॉपी मिलेगी जरूर पुणे में। तो मंदिर की सबसे अच्छी बात यह प्ले जोन था, और खाने का भी एरिया था जहाँ शुद्ध देसी घी का खाना था प्रसाद। तो 150 रुपये की थाली इतनी हैवी थी कि आप 2 जने खा सकते हो, यानी कि अगर आप यहाँ इवनिंग में आते हो तो डिनर भी करके जा सकते हो एंजॉय के साथ। और चलिए अब घर पे मिलते हैं। गाइस, हम मंदिर से आ गए और अभी बज रहे 9:45। हमारे गेट पे देखो क्या आया है आज, हमारे यहाँ स्टॉल लगा था सबरमेट का, पता ही नहीं था, मैं तो उसका शैम्पू ही सबरमेट का यूज़ करती हूँ, और पता ही नहीं था, मैंने सोचा कल चले जाएंगे, और आज सैंपल आया, काफ़ी सारा सैंपल है, आपको दिखाती हूँ। मेरे पहले हस्बैंड ने ना लाइक डस्टबिन में थ्रो कर दिया, मैंने कहा ये थ्रो क्यों करा, देखा तो उसके अंदर सबरमेट का चिल्ड्रन शैम्पू था इस तरह का, इतना छोटा साइज है। एंड ये सबरमेट क्रीम्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट, और ये फेस केयर जेल है एंड एक्स्ट्रा क्रीम सॉफ्ट। देखो आप इतने सारा ऐसे आए, ये सब हमें आई थिंक बच्चों का बॉडी वॉश है। तो सैंपल काफ़ी मिल गए, बेबी रैश क्रीम भी है, तो बेबी तो हमारे यहाँ है ही नहीं अभी, काव्या जब छोटी थी तब लगता था। एवरी डे शैम्पू है, इसमें बच्चों का ये भी है, एक बच्चों का ना मैंने देखा था फॉर माइल ये वाला, तो काफ़ी ग्रुप में भी पता नहीं चला, इनका नंबर होता तो शायद इनसे प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते। तो अभी बहुत देर भी हो गई है, तो मैं बाय करती हूँ, मिलते हैं हम लोग में, बाय बाय।